दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स की और FTX को लेकर क्या कुछ ड्रामा यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब कल के दिन में जो हैकिंग की अपडेट आई थी उसके बाद क्या कुछ बड़ी अपडेट्स इस इंसिडेंट्स को लेकर निकल कर आ रही है, और उसी के साथ बात करेंगे crypto.com की, जिन्होंने कल यहां पर एक लिस्ट जारी की थी इनके प्रूफ ऑफ रिजर्व की। तो कौन से और कॉइन्स है जो इनके प्रूफ ऑफ रिजर्व में अभी के समय में देखने को मिल रहे हैं, और डॉज का प्राइस क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस बेरिश मार्केट में भी, क्योंकि हम डॉज की बात करें लास्ट 24 में ऑलमोस्ट यहां पर 10% बढ़ा हुआ है। एलोन मस्क का क्या कुछ कमेंट यहां पर डॉज को लेकर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर कल जो हैकिंग देखने को मिली थी, उसके बाद यहां पर FTX के जो नए CEO है उन्होंने फिर से ये कंफर्म किया हुआ है कि जो हैकिंग है वो हुई थी। सेज देयर आर वर्किंग विद लॉ एनफोर्समेंट टू लोकेट एंड रिकवर फंड, और यहां पर ये कह रहे हैं कि हम यहां पर जो लॉ एनफोर्समेंट है उसके साथ यहां पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और हम फंड को यहां पर रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रामा यहां पर देखने को मिल रहा है, काफी सारे से बड़े एनालिस्ट है जिनका ये कहना है कि ये जो यहां पर इंसिडेंट देखने को मिला था ये FTX के द्वारा ही किया गया था। मतलब FTX एंड FTX US वर नॉट हैक्ड, दिस to be inside job by SBF and Skrew, जहां पर इनका यही कहना है कि जो FTX और FTX US का जो प्लेटफॉर्म है जिसे यहां पर कहा जा रहा है कि वो हैक हो गया था, वो हैक नहीं हुआ था, और ये जो जॉब यहां पर थी, मतलब ये जो काम किया था वो इनसाइडर के द्वारा ही किया गया था, SBF और इनकी जो क्रू है उनके द्वारा ही ये किया गया था। तो यहां पर अगर आप देखें इसको लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट भी देखने को मिला इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो यहां पर Haken.io के co-founder और CEO है, इन्होंने यहां पर एक ट्वीट भी किया और कल के दिन में एक स्पेस भी यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें एलोन मस्क भी थे, और वो स्पेस स्पेशली यहां पर FTX के लिए ही किया गया था। मतलब जो सिचुएशन FTX के लिए बनी हुई है, FTX हैक हो गया जिस प्रकार की अपडेट कल के दिन में मार्केट में देखने को मिल रही थी, और वहां पर एलोन मस्क भी ज्वाइन हुए। यहां पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट में इनका क्या कहना है, FTX स्टोलन फंड्स केस जो यहां पर देखने को मिल रहा है, समवन स्टील मोर देन $450 million फ्रॉम FTX हॉट वॉलेट, जहां पर किसी के द्वारा ऑलमोस्ट $450 million का जो फंड है हॉट वॉलेट से वो यहां पर स्टील कर लिया गया। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि एक मिस्टेक जो उसके द्वारा की गई कि उसने यहां पर TRX को भी विड्रॉल कर लिया जो क्रेकन के पर्सनल अकाउंट से जुड़ा हुआ था कमीशन के लिए, जिसका मतलब ये है कि जो हैकर है वो प्रोबेबली एक इनएक्सपीरियंस इंसाइडर है फ्रॉम FTX। यहां पर क्लियरली उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है हैकिंग का वो यहां पर किसी इंसाइडर के द्वारा ही किया गया जो FTX से जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ यहां पर इन्होंने काफी सारे और ट्वीट्स भी किए हुए हैं और ट्रेसिंग के ट्वीट भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्रेकन एक्सचेंज के द्वारा जो आइडेंटिटी है उस पर्सन की उसे यहां पर ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आइडेंटिटी यहां पर रिवील नहीं की गई है, और इन्फॉर्मेशन के लिए यहां पर जो ट्रेड है उसे भी इनके द्वारा शेयर किया है। और यहां पर आप देख सकते हैं नीर पेको को, जिनका यहां पर एक ट्वीट भी आया हुआ है। अगर हम इनकी बात करें, क्रेकन FX के यहां पर ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, और इन्होंने भी यहां पर एक ट्वीट किया हुआ है, वी नो द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर, यहां पर हम जानते हैं कि वो यूजर कौन है जिसने यहां पर ये हैकिंग की है FTX को लेकर। तो अभी तक यहां पर ये रिवील नहीं किया गया, काफी सारे लोग यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल बहुत जल्द आप इसे रिवील करें ताकि ये पता चले कि ये सेम बैंकमैन ही है या फिर इसके अलावा कोई और हो सकता है। और सेम बैंकमैन की अगर हम बात करें, ये भी कहा जा रहा है कि वो अब यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहां पर अगर हम बात करें SBF की और उनके 2 FTX एसोसिएट्स की, वो यहां पर अभी देखे गए अथॉरिटीज के द्वारा बहामास में, मतलब जो सोर्स है वो ये कह रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका जो प्राइवेट जेट है वो यहां पर अर्जेंटीना में भी लैंड हुआ है, जहां पर वो भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अभी इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो यहां पर FTX एक्सचेंज में देखने को मिल रही है। मतलब यहां पर SEC की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लायबिलिटी यहां पर काफी ज्यादा है, और फंड की अगर हम बात करें तो फंड यहां पर इनके पास काफी कम देखने को मिल रहा है। तो एक वर्ड में अगर हम कहें तो यहां पर FTX दिवालिया हो चुका है और FTX का अब यहां पर रिकवर होना पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम crypto.com की बात करें, कल इन्होंने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व को भी शेयर किया था जिसमें ऑलमोस्ट 32% के जो BTC इनके पास अवेलेबल थे, ऑलमोस्ट 20% के शिबा इनू कॉइन, ETH कॉइन, USDT, USDC भी अवेलेबल थे। इन कॉइन्स की लिस्ट इन्होंने यहां पर शेयर की थी। और अगर हम USDT, USDC की बात करें, ये स्टेबल कॉइन है। BTC की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे आपने एक्सचेंजेस देखे होंगे जिनके पोर्टफोलियो में ये रिजर्व में रहता है, और शिबा की अगर हम बात करें नंबर 2 पर है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स है जो यहां पर इसमें ट्रेडिंग करते हैं, जिस वजह से यहां पर crypto.com के पास एक बड़ी क्वांटिटी शिबा में भी अवेलेबल देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ अदर की जो लिस्ट है उन्होंने यहां पर शेयर की है, जिसमें CRO जो इनका खुद का नेटिव टोकन है
3.39%, मेटिक अवेलेबल है, लिंक QNTDAI, माना अवेलेबल है जो मेटावर्स से जुड़ा हुआ कॉइन है, सेंड CHZ, GNJ, BUSD कॉइन्स यहां पर इनके पास अवेलेबल है जो टोकन एलोकेशन इन्होंने यहां पर शेयर किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर अगली अपडेट की, डॉज कॉइन का प्राइस यहां पर क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि अगर हम डॉज की बात करें जिस प्रकार से वो मूवमेंट कर रहा था, यहां पर अचानक से एक बड़ा पंप देखने को मिला। उसका रीजन था कल यहां पर जो ट्विटर स्पेस था उसमें एलोन मस्क ने भी यहां पर सरप्राइजली ज्वाइन किया उस ट्विटर स्पेस को, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला जो वर्ड कहा था वो कहा था डॉज कॉइन टू द मून। मतलब जिस प्रकार का इंसिडेंट अभी देखने को मिल रहा है, जो स्पेस ऑर्गेनाइज किया गया था वो FTX के लिए था, उसकी जो हैकिंग थी उसके लिए था, लेकिन सबसे पहला वर्ड उनका यही निकला कि डॉज कॉइन टू द मून। मतलब कहीं ना कहीं वो डॉज को हमेशा से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस यहां पर वर्ड के बाद एक चीज और क्लियर हो जाती है कि अभी भी उनका जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगा डॉज कॉइन में, जिस वजह से डॉज के प्राइस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ट्विटर के साथ यहां पर डॉज का जो इंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अगली अपडेट की अगर हम बात करें, रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने फिर से ये कहा हुआ है, ही गेट एक्साइटेड व्हेन BTC हिट्स अ न्यू बॉटम नॉट वरीड। यहां पर इनका ये कहना है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अगर BTC यहां पर एक नए बॉटम को हिट करता है, और मुझे यहां पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्योंकि मैं यहां पर एक BTC इन्वेस्टर हूं। मतलब ये इनका कहना है कि BTC में वो लगातार इन्वेस्ट करते हैं, और अगर BTC यहां पर नया बॉटम हिट करता है, जैसा कि उन्होंने पहले भी प्रिडिक्शन किया हुआ था, काफी टाइम से प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि यहां पर जो मार्केट है वो डाउन में जाएगा, BTC और नीचे जाएगा, तो अगर आप यहां पर एक BTC इन्वेस्टर है तो बिल्कुल आपको इस पर फोकस करना चाहिए। He said adding that when the price of the cryptocurrency hits a new bottom, he gets excited। और इन्होंने यही कहा हुआ है कि अगर BTC का प्राइस और डाउन में आता है, नया बॉटम हिट करता है, तो मैं यहां पर इस प्राइस पर इसमें थोड़ी सी एंट्री जरूर लूंगा, मतलब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, और ये यहां पर BTC में इन्वेस्ट भी करते हैं। अभी के समय में जिस प्रकार की सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो आपको यहां पर थोड़ा वेट करना चाहिए। लास्ट 24 आवर्स में अगर आप देखें प्राइस यहां पर साइडवेज में देखने को मिल रहा है। डॉज बड़ा जरूर है, लेकिन डॉज के बढ़ने का रीजन है एलोन मस्क फिर से थोड़ा डाउन में आएगा, तो थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए। काफी सारे कॉइन्स है जो अभी यहां पर अपने सपोर्ट लेवल पर बने हुए। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। थैंक यू।